मैथ्स बता देता है, आजकल लोग ना लाखों हजारों में खुश हो जाते हैं। 1988 या 89 का जो बजट आया था, राकेश जी ने उस समय पे 2 करोड़ कमाए, उस समय के 2 करोड़ कमाए। 92 में 50, 2000 में अगर बात करते तो 200 करोड़ के आसपास ये अमाउंट लगा इन्वेस्टमेंट में। टाइटन बात करते, कोई ये कैलकुलेट नहीं करता 5000 से 50000 करोड़, इतना तो कोई स्टॉक ही नहीं दिया। कंपाउंडिंग आप देख लो ना, आप ये जाके देखो राकेश जी का अगर पोर्टफोलियो देखोगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा स्टॉक्स लिए, चले तो 4 ही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 100 टाइम्स, 3-4 ही हैं, बाकी तो उन्होंने यस बैंक भी लिया था, DHFL भी लिया था, इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना था, उन्होंने लेवरेज में ट्रेडिंग लेके कमाया, तो उन्होंने वो ट्रेडिंग से बनाया। पॉइंट है, सब लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट से बनाया, ये ट्रेडिंग से बनाया।